सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास सिविल सेवा परीक्षा का एक प्रमुख सब्जेक्ट है और इतिहास के बारे में एक कथा भी प्रचलित है कि यह एक रुचिकर और अंकदायी विषय है, लेकिन इसको तारीखों के माध्यम से समझा जाता है। बहुत सारे इतने तथ्य हैं, बहुत लोग इसको गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं। तमाम सारी भ्रांतियां इतिहास के प्रति, चाहे वो परीक्षार्थी हो चाहे वो आम जन हो, उनके मन में इतिहास को लेकर बहुत भ्रांतियां व्याप्त हैं। वास्तव में इतिहास वह विषय नहीं है जैसा आम जन में प्रचलित है। आम जन के मन में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इतिहास में बहुत ज्यादा तारीख याद करना पड़ता है, इतिहास में बहुत ज्यादा तथ्य हैं, इतिहास एक तथ्यों का पुलिंदा है। तमाम सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन आज मैं अपने लेक्चर से आपको दिखाऊंगा कि इतिहास सिविल सेवा की परीक्षा का, जनरल स्टडीज का सबसे इंटरेस्टिंग विषय है, सबसे अंकदायी विषय है, और अंकदायी और इंटरेस्टिंग विषय इसकी परिभाषा इसको बना देता है। आज मैं आपको इतिहास केवल पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि इतिहास में आपको जिलाऊंगा। यानी केवल इतिहास पढ़ना नहीं है, बल्कि इतिहास में जीना है। यही कारण है कि आज हम लोग अपने इस लेक्चर के तहत पहले इतिहास की अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे एवं इतिहास का कालाक्रम विभाजन भी जानेंगे। जो भ्रांतियां लोगों के मन में सिविल सेवा की परीक्षा में इतिहास को लेकर है, आज उसको यहां मैं इतिहास की परिभाषा और इतिहास का कालाक्रम विभाजन बताकर कुछ दूर करने का प्रयत्न भी करूंगा, और आपको इतिहास की परिभाषा में निश्चित ही कुछ नया जानने को मिलेगा। और इसी तरह के सारे लेक्चर अपने इस YouTube चैनल पर मैं आपको दूंगा, ताकि जो इतिहास विषय आपके लिए कठिन बना है, बहुत तथ्यों का पुलिंदा बना हुआ है, बहुत उलझाव बना है, तारीखों का संजाल बना हुआ है, ये सारे चीजों को दूर करने का प्रयत्न मैं अपने इस लेक्चर के माध्यम से विक्रमादित्य आईएएस के मंच से जरूर करूंगा। आपको कैसा लगेगा ये जरूर आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि इतिहास होता क्या है। जनरली इतिहास लोगों के मन में, इतिहास शब्द जब आता है तो जो बीत गया, जो हो गया, अर्थात इतिहास का मतलब अतीत के घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ज्यादातर लोगों से आप जब इतिहास की परिभाषा पूछेंगे तो इतिहास शब्द की परिभाषा लोग यही देते हैं, अतीत के घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी जो बीत गया, जो हो गया, जो घट गया, वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास, इति माने ऐसा ही, हास माने हो गया, अर्थात ऐसा ही जो हो गया, ऐसा ही जो बीत गया, ऐसा ही जो घट गया, क्या कहलाता है? इतिहास। यानी जो घट गया, जो बीत गया, जो हो गया, वही इतिहास है। वही बात जो आप लोग जानते हैं कि अतीत के घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि अतीत के घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है, जो बीत गया वही इतिहास है, जो घट गया वही इतिहास है, तो एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न की बात छोड़िए, एक दिन का इतिहास लिखना असंभव है यदि यह मान लिया जाए कि जो बीत गया, जो घट गया वही इतिहास है। तो प्रश्न उठता है कि इतिहास का मतलब होता क्या है? क्या आज तक जो इतिहास की परिभाषा जान रहे थे वो गलत था? बिल्कुल नहीं। गुरु का काम केवल तथ्यों का बौछार करना नहीं होता, गुरु का काम केवल ज्ञान का बौछार करना नहीं होता है, अपितु गुरु का काम है जो तथ्य पूर्ण रूप से सही नहीं है उसका परिमार्जन करना भी होता है।
या कुछ अतिरिक्त तथ्यों को जोड़कर अपने बात की विस्तृत व्याख्या करना भी, ये भी काम गुरु का। गुरु का काम केवल तथ्यों का अंबार नहीं करना है, तथ्यों का पुलिंदा इतिहास नहीं है। तो हम लोग यहां जानने का प्रयत्न करेंगे कि इतिहास की वास्तविक परिभाषा क्या है, लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे कि यदि हम ये मान ले रहे हैं कि अतीत के घटनाओं का अध्ययन इतिहास है, जो बीत गया वही इतिहास है, जो घट गया वही इतिहास है, तो कैसे इतिहास लिख पाना असंभव हो जाएगा। और हम फिर उसके बाद परिमार्जन करेंगे। अगर हम ये मान लेते हैं कि अतीत के घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है, तो अगर 1 जनवरी 2023 का हमको इतिहास लिखना हो, 1 जनवरी 2023 का यदि हमको इतिहास लिखना हो, तो जिस शहर में आप हैं वहां सैकड़ों घटनाएं घटी, जिस राज्य में हैं आप वहां लाखों घटनाएं घटी, जिस देश में भारतवर्ष में करोड़ों घटनाएं घटी होंगी, और पूरी दुनिया की बात की जाए तो इतनी घटनाएं घटी होंगी, करोड़ों अरबों घटनाएं घटी होंगी, पूरे दुनिया की कॉपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन एक दिन का इतिहास नहीं लिखा जा पाएगा जब यह माना जाएगा जो बीत गया जो घट गया वही इतिहास है। तो इसका क्या मायने हुआ? आज तक लोग गलत इतिहास जानते थे या इतिहास की परिभाषा गलत करते थे? बिल्कुल नहीं। हम लोग उसमें थोड़ी सा परिमार्जन करेंगे, थोड़ी सा सुधार करेंगे। देखिए, आप लोग केवल किताबी परिभाषा मत जानिए। मैं यहां हेरोडोट्स की परिभाषा नहीं बताने आया हूं, क्योंकि हेरोडोट्स की परिभाषा सब जान रहे हैं। अगर आप एग्जामिनेशन हाल में गए, इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष अगर आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं और अगर आप पहुंचते हैं, आपसे पूछ दिया कि इतिहास माने क्या होता है और आपने बता दिया कि अतीत के घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है, तो कह देगा 1 जनवरी 2022 का इतिहास लिखिए आप, क्योंकि आप तो कह रहे हैं जो बीत गया जो घट गया जो हो गया वही इतिहास है। कैसे लिख पाएंगे आप? जिस देश जिस नगर में है वहां सैकड़ों घटनाएं घटी, जिस राज्य में है वहां हजारों घटनाएं घटी, जिस देश में है करोड़ों घटनाएं घटी, लाखों घटनाएं घटी, और पूरी दुनिया में करोड़ों घटनाएं घट गई, दुनिया की काफी समाप्त हो जाएगी। आप कह रहे हैं अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास है। तो यदि आप कॉन्सेप्ट से परिभाषा नहीं जान रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट वाला जो पढ़ाई है आपका, वो आपका हमेशा साथ देने वाला है, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे जीवन का कोई क्षेत्र हो। सिविल सेवा की पढ़ाई में आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। केवल आप कुछ किताब पढ़ लीजिए, कुछ तथ्य रट लीजिए, कुछ तथ्य याद कर लीजिए, हो सकता बहुत लोग निकाल लिए हो, लेकिन ये कोई सामान्य उदाहरण नहीं होगा, आपको सामान्य उदाहरण समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हम ये मान रहे हैं कि जो बीत गया जो घट गया जो हो गया वही इतिहास है, 1 जनवरी 2023 का इतिहास हमारे लिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि जिस नगर में है वहां सैकड़ों घटनाएं घटी, जिस राज्य में है वहां हजारों घटनाएं घटी, जिस देश में है वहां लाखों घटनाएं घटी, पूरी दुनिया में करोड़ों घटनाएं घटी, केवल एक दिन का इतिहास पूरी दुनिया के पन्ने समाप्त हो जाएंगे, नहीं लिखा जा सकेगा। तो फिर इतिहास की परिभाषा क्या होगी? ऐसी घटनाएं जो घट तो जाएं, ऐसी घटनाएं जो बीत तो जाएं, ऐसी घटनाएं जो हो तो जाएं, लेकिन सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की हो, परिवर्तनकारी हो, क्रांतिकारी हो, पूरे वातावरण को बदल कर रखते। घटनाओं का केवल घट जाना इतिहास नहीं है, घटनाओं का सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व का होना इतिहास है, क्रांतिकारी होना इतिहास है, परिवर्तनकारी होना इतिहास है, पूरे वातावरण को ही बदल कर रख दे इतिहास कहलाता है। घटनाओं का केवल घट जाना इतिहास नहीं है, क्योंकि घट जाना इतिहास अगर हम मान रहे थे तो हम एक दिन का इतिहास नहीं लिख पा रहे थे। ये कॉन्सेप्ट की पढ़ाई है। मैं सिविल सेवा की परीक्षा में आपको लाख कोई बताता हो कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो इतना पढ़ लो हो जाएगा, ये गलत एग्जाम्पल है। गलत एग्जाम्पल कभी मत सेट करिए, क्योंकि एक बार सफलता मिल सकती है, दो बार सफलता मिल सकती है, लेकिन कोई स्थायी सफलता गलत मार्ग से नहीं मिल सकती है। सिविल सेवा की परीक्षा में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिविल सेवा की परीक्षा में लांग कट ही अंतिम अस्त्र है और स्थायी अस्त्र है और अंतिम परिणामदायी अस्त्र। इसलिए याद रखिएगा कि सिविल सेवा की परीक्षा में आपको हमेशा एक गहन अध्ययन करना है, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि
हमने बताया क्या कि जो घटनाएं घट तो जाएं, बीत तो जाएं, हो तो जाएं, लेकिन सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय महत्व अंतरराष्ट्रीय महत्व की हो, क्रांतिकारी हो, परिवर्तनकारी हो, क्या कहलाती है? इतिहास। जैसे भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व से एंशियंट हिस्ट्री चल रहा था, प्राचीन इतिहास चल रहा था, लेकिन 711-12 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, नए लोग आए, नया धर्म आया, नया संस्कृति आया, नया व्यवस्था आया, पूरे देश का वातावरण क्या हो गया? बदल गया। और वहीं से शुरू हो गया मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। मेडिवल हिस्ट्री चल रहा था, लेकिन 1498 में जब कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा उतरा, नए लोग आए, नई संस्कृति आया, गाड़ी मोटर बंगला आया, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए, स्वीडिस आए, टिड्डियों के दल के समान भारत में यूरोपीय कंपनियों का तांता लग गया। नए लोग आए, नया धर्म आया, नया संस्कृति आया, गाड़ी मोटर जहाज टेलीफोन पूरे देश का वातावरण ही बदल कर रख गया, और वहां शुरू हो गया आधुनिक भारत। घटनाएं अपने आप में कोई सामान्य नहीं है, घटनाएं अपने आप में परिवर्तनकारी हैं, घटनाएं अपने आप में क्रांतिकारी हैं, घटनाएं अपने आप में परिवर्तनकारी हैं। यही कारण है वो इतिहास। घटनाओं का घट जाना ही इतिहास नहीं है। तो क्या परिभाषा हुआ? ऐसी घटनाएं जो घट तो जाएं, लेकिन सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की हो, परिवर्तनकारी हो, क्रांतिकारी हो, क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। ठीक है ना। अब आपको इतिहास के विभाजन के संबंध में हम बताते हैं, क्योंकि इतिहास का विभाजन एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि इतिहास का विभाजन अगर आपसे पूछा जाए, अब बहुत लोगों से पूछा जाता है कि भाई इतिहास का विभाजन कैसे होता, तो वो क्या बताते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब अभी भी होगा जब मैं ये लेक्चर दे रहा हूं, एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये इतिहास का विभाजन नहीं है, ये ऐतिहासिक काल का विभाजन है। लेकिन आश्चर्य की बात है, ज्यादातर विद्यार्थी इसको इतिहास का विभाजन समझकर पढ़ते। और यदि यह मैं दिखाऊंगा आपको कि ऐसे प्रश्न आईएएस में भी आ चुके हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को जांचने का प्रयत्न करते हैं कि आप कितनी गहनता से पढ़े हैं। और मेरा यह मानना है कि एक दो किताबों से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, आपको उसके लिए गहन अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने सुना है बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सिविल सेवा में आपको मास्टर थोड़ा बनना है, आपको कंप्यूटर बनना है, उतने पढ़िए जितना में सिलेक्शन हो जाए। अरे भाई, आपको कैसे मालूम कि इतना पढ़िए तो सिलेक्शन हो जाएगा? आप तो ये जान रहे कि चार लोग इसको पढ़े हो गए, लेकिन 400 लोग जो नहीं हुआ वो तो आपको मालूम नहीं है, वो तो आपको नहीं मालूम है। 4000 लोगों का जीवन खराब हो गया तो वो तो नहीं मालूम है, 4 लोग सेलेक्ट हो गए वो आपको मालूम है। अरे ऐसे एग्जाम्पल सेटअप मत करिए विद्यार्थियों के बीच में जो उनके जीवन को बर्बाद करे। अरे सिविल सेवा की तो परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जो असफलता के बाद आपको बहुत कुछ दे जाता है। विद्यार्थी को इस लायक बनाइए कि अगर जीवन में असफलता का भी मुंह देखना पड़े तो किसी लायक वो हो। ऐसी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि जीवन में किसी लायक ना रह जाए। सिविल सेवा की परीक्षा अगर वास्तव में ईमानदारी से तैयारी कर लिया जाए तो असंभव है व्यक्ति जीवन में कठिनाई भोगे। अगर कठिनाई भोगेगा तो पूरे ताकत के साथ, पूरे ज्ञान के साथ, पूरे ज्ञान शक्ति के साथ भोगे और एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाएगा। इसलिए आप लोग को यह भी ध्यान रखना चाहिए, केवल पढ़ाई को ऊपरी नहीं गहन स्तर से लीजिए। वही मैं आपको दिखाने का यहां प्रयत्न कर रहा हूं अपने लेक्चर से। तो आइए हम लोग देखा जाए कि वास्तव में इतिहास का विभाजन कैसे है। देखिए, मानव इस पृथ्वी पर जब से जन्म लिया, ठीक है ना, उस चरण को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, द में यह है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज या हिस्ट्री। मानव जब से इस पृथ्वी पर आया
उसको तीन चरणों में विभाजित किया गया। क्या क्या? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर आप इन तीनों की व्याख्या को समझे तब आप समझ पाएंगे कि इतिहास का विभाजन कैसे हुआ। आप जिस विभाजन को ज्यादातर लोग जान रहे हैं वो असल में ऐतिहासिक काल का विभाजन, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। अब एक एक की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं और मैं ये दिखाने जा रहा हूं कि मनुष्य, अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आप सिविल सेवा का ऐसी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए नहीं कॉन्सेप्ट तैयारी है, और आपसे अगर पूछा जाए कि मनुष्य ने अपने जीवन का अब तक से सबसे अधिक समय किस चरण में गुजारा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो जो बच्चा कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा है वो लगाएगा ऐतिहासिक काल, क्योंकि उसको मालूम है कि सबको इतिहास में ही जी रहा है, वर्तमान काल ऐतिहासिक काल है। तो क्या होगा भाई, मनुष्य ने तो कुछ हजार वर्ष अभी ऐतिहासिक काल में, लाखों वर्ष तो मनुष्य ने प्रागैतिहासिक काल में गुजारा है, तो बताइए क्या होगा। तो क्या हम, अगर हम इतिहास का विभाजन एंशियंट मेडिवल मॉडर्न में कर रहे हैं तो वो इतिहास का विभाजन नहीं है, वो ऐतिहासिक काल का विभाजन। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपने लेक्चर में मैं इस बात का ही ध्यान रखता हूं कि कहां गैप है। अपने लेक्चर में मैं तथ्यों का बौछार नहीं करना चाहता, मैं अपने लेक्चर में कॉन्सेप्ट ही बताना चाहता हूं। मेरा मूल उद्देश्य यही है कि सिविल सेवा की परीक्षा में आप पूरे ताकत के साथ बैठे, और ताकत केवल कॉन्सेप्ट से आएगा, तथ्य से नहीं आएगा। तथ्य जानना, ऐसा नहीं मैं करो तथ्य नहीं जाना, बिल्कुल जानिए, लेकिन समझ के साथ, रट्टू तोता की तरह नहीं जानना है आपको, आपको समझ के साथ तथ्यों को याद करना है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको तथ्य जानना है, तभी सिविल सेवा का अथाह सागर पार होगा, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल, अब एक एक परिभाषा देखिए कैसे परिभाषा का विभाजन है जरा उसमें। प्रागैतिहासिक काल मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं। तो प्रश्न उठता है कि समय का इतिहास कैसे जाना जाता है। मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, उस समय का इतिहास जानने के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, और वह पुरातात्विक साक्ष्य पत्थर के उपकरण के रूप में है, इसीलिए उस काल को क्या बोलते हैं, पाषाण काल यानी स्टोन एज। स्टोन एज लगभग सभी लोग जानते हैं, पाषाण काल, लेकिन ज्यादातर प्रागैतिहासिक काल कम लोग जानते हैं। लेकिन हां, सिविल सेवा की तैयारी का प्रत्येक विद्यार्थी गंभीर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि वो जानता ही नहीं है। निश्चित ही आप लाखों करोड़ों में एक विद्यार्थी हैं सिविल सेवा के, निश्चित आप योग्य हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को बढ़िया से जाने, हमारी कोशिश यही है। प्रागैतिहासिक काल मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, उस समय का इतिहास जानने के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, वो पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल प्रूफ पत्थर के उपकरण के रूप में है, इसीलिए उस समय का सबसे चर्चित नाम क्या है, पाषाण काल। लाखों वर्ष मनुष्य ने इसी में गुजारा, ठीक है। अब आइए आद्य ऐतिहासिक काल, ये क्या है, मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, इसके पहले वाले में लिखित साक्ष्य नहीं था। मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन या तो पढ़ा नहीं जा सका है, या तो पढ़ा जा सका है तो निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। अब आप कहेंगे सर निश्चित निष्कर्ष का मतलब, जैसे ये मार्कर है, मैं कहूं कि ये मार्कर है, ठीक है, अब मेरे मुंह से निकल रहा है शायद यह मार्कर है। अब जैसे आप शायद यह मार्कर कहेंगे, यानी आप संशय में है, यानी निश्चित नहीं है आप, तो कोई कहेगा पेन है, कोई कहेगा पेंसिल है, कोई कहेगा कलम है, क्योंकि आप तो संशय में, निश्चित है नहीं। लेकिन जैसे ही आपने कहा मार्कर ही है, ये निश्चित निष्कर्ष है, वो उसके विरुद्ध कोई बोल नहीं पाएगा। तो मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद है, लेकिन या तो पढ़ा नहीं जा सका है, और या तो पढ़ा जा सका है तो उसके बारे में निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है, क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का दो काल, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल,
दोनों किसके तहत आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोगों को 400 अक्षर मिले हैं लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका। पहला सच पूरा हो रहा है। दूसरा, वैदिक काल के हम लोग को 4 वेद मिले हैं। इसके अलावा वैदिक साहित्य में हमको ब्राह्मण ग्रंथ मिले हैं, आरण्यक मिले हैं, उपनिषद मिले हैं। अब आप कहते होंगे सर ये पढ़ा जा सका लेकिन निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। वेदों देखिए पौराणिक स्तर पे तो वेद अकाट्य ज्ञान है, स्पष्ट प्रमाण है, सनातन धर्म के आदि हैं। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब आ माने नहीं, पौरुषेय माने पुरुष, यानी वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है बल्कि वेदों को ईश्वर प्रदत्त है। तो जब ईश्वर प्रदत्त है तो जाहिर सी बात अकाट्य है। लेकिन जब इतिहास के क्षेत्र में आएंगे तो वेदों में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ यहां कुछ है और आगे जाके कुछ है। वशिष्ठ आप त्रेता युग के हैं, वशिष्ठ का वर्णन इसमें है। विश्वामित्र त्रेता युग के हैं, विश्वामित्र का वर्णन इसमें है। जो लाखों वर्ष पहले तो इस समय कहां आ गए, ईसा के 1500 वर्ष पहले कहां से आ गए। तो वेदों में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विरोधाभासी भी हैं, अनेकार्थक भी हैं। तो यही कारण है कि वेद जो हैं वो ज्ञान के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में वो अस्पष्ट इतिहास में आ गए, इसीलिए उसको हाँ। लेकिन पौराणिक क्षेत्र में वेद अकाट्य है, धर्म के क्षेत्र में वेद अकाट्य है। देखिए धर्म और ज्ञान में अंतर होता है। धर्म जो है वो आस्था पर आधारित होता है, ज्ञान जो है वो तर्क पर आधारित होता है। और अगर आप आस्था और तर्क को मिलाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, ठीक है। आस्था से देखेंगे वेद अकाट्य है, लेकिन जैसे ही आप तर्क के क्षेत्र में वेद को देखने आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेदों में ज्ञान ही नहीं, बहुत ज्ञान है, लेकिन आप जब उसको इतिहास के क्षेत्र में ला दिए तो हर चीज प्रामाणिक होना चाहिए। अब लाखों वर्ष पहले की बात कुछ होगी तो वो प्रमाणित कहां हो पाएगा, मनुष्य तो सीमित है ना। आस्था में बात करेंगे तो वेद अकाट्य है, ज्ञान के स्रोत हैं, पौराणिक भारतीय सनातन धर्म के आदि है। लेकिन जब इतिहास के क्षेत्र में आ जाएंगे तो बहुत चीजें उसकी अस्पष्ट हैं, विरोधाभासी हैं। इसीलिए जो है उसको किस में रख दिया गया, अस्पष्ट इतिहास में या पूर्ण स्पष्ट इतिहास में नहीं रखा गया है, इसीलिए उसको कहते आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब टोटल है स्पष्ट नहीं हुआ, अभी इतिहास और प्रागैतिहास के बिल्कुल बॉर्डर पे हम खड़े हैं। ये प्रागैतिहास है, ये इतिहास है, इसके बीचों बीच हम खड़े हैं। अभी ना उसमें इंटर हुए हैं ना इसमें, बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। उसको क्या कहा गया, आद्य ऐतिहासिक काल, मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास लिखित शास्त्र तो मौजूद है लेकिन या तो पढ़ा नहीं जा सका है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, या तो पढ़ा जा सका है लेकिन निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है, हो सकता है आगे निकाल लिया जाए, यानी वैदिक सभ्यता। तो क्या कहा था, आद्य ऐतिहासिक काल। अब तीसरा आई ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। ऐतिहासिक काल मानव जीवन का वह चरण जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, उसको पढ़ा भी जा सका है, उसके बारे में निश्चित निष्कर्ष भी निकाला जा सका है। अब देखिए तीनों कंडीशन यहां फुलफिल हो गया। मानव जीवन का वह चरण जिसको पढ़ा भी जा सका है, ठीक है ना, जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, उसको पढ़ा भी जा सका है और उसके बारे में निश्चित निष्कर्ष भी निकाला जा सका है, क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल। भारत का ऐतिहासिक काल कब से शुरू होता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत का ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है, यानी जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उसी को बौद्ध काल भी कहते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। और उसी समय भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इसीलिए उसको महाजनपद काल भी कहते हैं। भारत में द्वितीय नगरीकरण भी उसी समय शुरू हुआ, इसीलिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण का भी काल कहते हैं। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। इतने तथ्य जुड़े हैं। महाजनपद काल, भारत का ऐतिहासिक काल क्या है, महाजनपद काल है, बौद्ध काल है और द्वितीय नगरीकरण का काल है, इसीलिए वहीं से इतिहास शुरू हुआ। और उसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से हम प्राचीन में बांटते हैं, एंशियंट, और मध्य में बांटते हैं और आधुनिक में बांटते हैं।
प्राचीन छठी शताब्दी ईसा पूर्व से 711 12 तक, 711 12 से 1498 तक मध्यकालीन और 1498 से आधुनिक भारत का। देखिए केवल सटीकता की ओर मत जाइए, इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे विभाजन मानते हैं। आप वातावरण के प्रभाव की बात करिए, एक होल सोल वातावरण की बात करिए। बहुत लोग कहेंगे कि जब पहली बार सत्ता दिल्ली सत्ता तो वहां से मध्यकाल मानिए, उसके पहले वाला समय पूर्व मध्यकाल, ये सब कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। उसके पहले राजपूत काल था तो राजपूत काल को बहुत लोग पूर्व मध्यकाल कहते हैं। ये विभाजन एक सामान्य विभाजन को समझने का प्रयत्न करिए, एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयत्न करिए। ऐसे तो एक प्रश्न के सैकड़ों जवाब हैं, समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जो हम एंशियंट मेडिवल मॉडल पढ़े, असल में वो इतिहास का विभाजन नहीं, वो ऐतिहासिक काल का विभाजन, ठीक है, समझ में आया? तो केवल इतिहास घटनाओं का घट जाना ही इतिहास नहीं है, मैंने ये आपको बताया। फिर इतिहास का विभाजन जो एंशियंट मेडिवल मॉडर्न करते हैं वो नहीं है, बल्कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल तीन भागों में बटा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इसी तरह से मैं अपने इस विक्रमादित्य आईएएस के मंच से मैं आपको कॉन्सेप्ट की पूरी पढ़ाई सिविल सेवा की कराऊंगा, और चाहे वो जीएस का कोई भी पेपर हो उसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट ही दिखाऊंगा। और मैं दिखाऊंगा कि सिविल सेवा की तैयारी केवल तथ्यों का पुलिंदा नहीं है, एक दो किताबों को सिलेक्टेड होकर पढ़ने का नहीं है, बल्कि सिविल सेवा की पढ़ाई कॉन्सेप्ट का है, विस्तार का है। और यही अंतिम सत्य है और यही आपके लॉन्ग लाइफ का आधार बनेगा। सिविल सेवा की पढ़ाई में अगर आपको कोई शॉर्टकट बताता है तो निश्चित वो आपका मित्र नहीं, क्योंकि सिविल सेवा में कुछ शॉर्टकट है ही नहीं, न पढ़ाई न तैयारी शॉर्टकट है, ना नौकरी शॉर्टकट भी नहीं। नौकरी भी अथाह समंदर है, तैयारी भी अथाह समंदर, लेकिन ये आपके अंडर में ही है, ये नहीं है क्यों किसी और के अंडर में, आपके ही क्षमता के अंडर में। लेकिन आपको पहले से संकुचित नहीं होना, जैसा लोग संकुचित बना देते हैं, संकुचित नहीं होना, बस यही चार किताब पढ़ लो हो गया, ये नहीं है। और मैं अपने लेक्चर के तहत आपको हर लेक्चर में ये दिखाऊंगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं फिर उपस्थित होगा, तब तक के लिए मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस से निश्चित ही एक नए लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।